पहले तो गांव में हम दिहाड़ी मजदूरी करने श्रमिक बने, फिर मैं दिल्ली में आ गया अपनी सिस्टर के पास। मेरे जीजा जी ने मेरे को दिल्ली प्रेस में झंडे वाले पे मेरे को हेल्परी में लगवा दिया, ट्रक के ऊपर काम सीखा, ड्राइवरी सीखी। वहाँ पे 7 ट्रक थे, 7 ड्राइवर मेरे को बहुत प्यार करते थे, 7 के 7 मेरे को ड्राइवरी सिखाते थे। बस एक महीने के अंदर ही उन्होंने मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दिया। मेरा नाम प्रकाश सिंह है, मेरी उम्र 45 साल की है। मैं दिल्ली में ड्राइवरी करता हूँ और फिलहाल द्वारका स्कूल में ड्राइवरी कर रहा हूँ। 12-13 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है यहाँ पे। जैसे हम आते हैं सुबह घर से 5 बजे निकलते हैं, 5:30 बजे निकलते हैं, 6 बजे तक स्कूल में पहुँचते हैं, बस निकालते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, छोड़ते हैं। पहले मैंने DTC में काम किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काफ़ी 6 साल तक काम किया वहाँ, कोई असली वहाँ। उससे पहले ब्लू लाइन चलाई दिल्ली में, उसमें 18-19 घंटे की ड्यूटी होती थी। सुबह 5 बजे जाते थे, रात के 12-1 बजे बज जाता था, या 12,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। काम कम है, पैसे कम है, वहाँ काम ज़्यादा था, पैसे भी ज़्यादा थे, लेकिन आराम है। ड्राइविंग लाइफ बहुत बिजी है, बहुत डेंजरस काम है, हमेशा घर वाले भी चिंता में रहते हैं जब तक घर में नहीं पहुँचते हैं। जब घर में पहुँच जाते हैं, जब उनको शांति आती है, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा घर भी आ गया। मेरा अजीत सपना था कि दिल्ली में आया, कुछ तो अपना होना चाहिए, और यहाँ भी अपना गांव छोड़ के, देहात छोड़ के यहाँ किराए पर रह रहे हैं, तो बहुत मेरे को अफसोस हो रहा था। मैं ये सोचता था अपना मकान हो जाए ना, एक प्यारा बहुत बेस्ट हो जाएगा। फिर खूब मेहनत करी, अपना मकान हो गया और उसको बनाया बहुत अच्छी तरह से, और हम उसमें रह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी स्थिति इसलिए बढ़िया है कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे परिवार मेरे साथ है, आगे के फला नहीं है। मैं बस जब तक स्कूल में काम कर रहे हैं कर रहे हैं, बट बेटे को मारे। आदमी के पास कितना ही पैसा हो, जब उसके घर में खुशी नहीं है तो बेकार उसके लिए पैसा, कोई पैसा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। अगर खुशी है तो सब कुछ है। मेरे पापा मेरे को बोला, पप्पू तू कितना पैसा कमा लिया जिंदगी में, ये पैसा साथ जाने वाले नहीं है। इंसान की इज्जत करो, उसे प्यार प्रेम करो, ये तुम्हारे साथ जाएगा।